तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि पर्ल क्या है और उसके बाद हम बात करेंगे इसे कैसे शुरू करना है। दोस्तों पर्लवाइन इंटरनेशनल आपके लिए एक डिजिटल बैंक अकाउंट की तरह है जिसमें आप अपना अकाउंट ओपन करके लाखों करोड़ों रुपए की इनकम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और पूरे वर्ल्ड में लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं और लाखों करोड़ों की इनकम कर भी चुके हैं और कर भी रहे हैं। ये आपके लिए एक डिजिटल रोबोटिक सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डॉक्टर डेनियल जॉनसन ने। और ये सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना बेहद आसान हो जाता है अगर आपके पास ये पांच चीजें हो तो। नंबर एक, 2015 ईस्वी से आज तक यानी 5 साल से आज तक चल रहा है जिसमें आज की तारीख में लाखों लोग जुड़ चुके हैं पूरे वर्ल्ड में और पूरी तेजी से ये पूरी दुनिया में फैल रहा है। अब बात करते हैं कि इससे हमें इनकम। दोस्तों ये एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर है जो पूरे वर्ल्ड में एक लाइफ टाइम क्राउड फंडिंग सिस्टम के रूप में है जहां सिर्फ एक बार 2250 रुपये यानी सिर्फ $30 इन्वेस्ट करके आप यहां अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और अपने उस अकाउंट के ज़रिए बहुत ही आसानी से अपने लोगों से मिलजुल कर एक अच्छी टीम बनाकर एक समुदाय बनाकर यहां पर कई तरह की इनकम आप ले सकते हैं। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर एक बैंक के सॉफ्टवेयर की तरह बहुत ही सिक्योर सॉफ्टवेयर है, बहुत ही सुरक्षित सॉफ्टवेयर है जिसको ना तो कभी हैक किया जा सकता है, और जिस तरह गूगल फेसबुक यूट्यूब वगैरह एक सॉफ्टवेयर है ठीक वैसे ही ये भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कभी बंद नहीं होगा और यहाँ से आप हमेशा के लिए इनकम कर सकते हैं। मतलब पर्लवाइन इंटरनेशनल हमेशा के लिए आपकी इनकम का एक सोर्स बना रहेगा, तो ये सकते हैं सिर्फ 2250 रुपये लगाकर। अब आइए बात करते हैं कि इसमें कितने तरह की इनकम है। हर तरह की इनकम के बारे में बात करने के लिए मैं आपको इसकी वेबसाइट और ऐप पर भी अभी ले जा रहा हूँ जहाँ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आइए चलते हैं सीधे इसकी वेबसाइट पर। इसकी वेबसाइट है pearlvine.com। जैसा कि यहाँ पर आप इसकी स्पेलिंग देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही स्पेलिंग देख लीजिए क्योंकि इस नाम से और भी कई फर्जी स्पेलिंग बदल कर फर्जी वेबसाइट्स बने रहते हैं। गूगल क्रोम ब्राउज़र या किसी भी ब्राउज़र में जाकर, गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ करेंगे तो ज़्यादा सिक्योर होगा। गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाकर pearlvine.com खोलते हैं तो ये पेज खुलता है। अगर आप पर्लवाइन के मेंबर पहले से हैं तो यहाँ लिखे हुए लॉगिन पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट, आपको लॉगिन करना होता है, लेकिन अगर आप पर्लवाइन पर एक नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखे हुए साइनअप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको और भी कई ऑप्शन दिख रहे हैं जैसे कि होम, About Us, Business, Features, जिन पर क्लिक करके आप पर्लवाइन के बारे में और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको खोलना है यहाँ पर पर्लवाइन अकाउंट, तो साइन अप पर क्लिक करते हैं। ठीक है, साइन अप पर क्लिक करने पर ये पेज ओपन होता है जहाँ पर आपको अपने सारे डिटेल्स भरने होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करना है। जैसे अगर आप इंडिया में रहते हैं तो यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। याद रखें दोस्तों, जैसे ही आप कंट्री सेलेक्ट करते हैं आपकी कंट्री का कोड यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिख कर आ जाता है। आपको अलग से अपना कंट्री कोड जैसे कि 91 ये लिखना नहीं है, वो पहले से लिख कर आ जाएगा, सिर्फ मोबाइल नंबर ही लिखना है। अब है पासवर्ड लिखने की बारी, तो कोई भी अच्छा सा पासवर्ड आप अपने लिए बनाकर दो बार लिख देना है आपको, एक बार यहाँ और सेम वही पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है ताकि आप और वेबसाइट का डाटा दोनों कंफर्म हो जाए कि आपका पासवर्ड क्या है। अब है यहाँ पर्लवाइन अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर आपको उनका पर्लवाइन अकाउंट नंबर लिखना है जिन्होंने आपको पर्लवाइन के बारे में बताकर आपको इसमें जुड़ने के लिए आपको इनवाइट किया है, यानी अपने अपलाइन का पर्लवाइन अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है। वो आपके आपको आपके अपलाइन जो है बता देंगे कि उनका अकाउंट नंबर क्या है, या सिंपली वो एक रेफ। लिंक आपको भेजेंगे जिस पर क्लिक करते ही आप डायरेक्ट इस पेज पर पहुंच सकते हैं और यहां पर पहले से उनका पर्लवाइन अकाउंट नंबर लिखा रहेगा। यहां पर उनका पर्लवाइन अकाउंट नंबर लिखने से यहां पर ऊपर ठीक बाहर में उनका नाम भी लिखकर आ जाता है जो आपको कंफर्म कर लेना है कि उन्हीं का नाम लिखा हुआ है या नहीं जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है। और लास्ट में आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस वाले इस बॉक्स में मार्क करके क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। बस इतना करते ही आपका पर्लवाइन अकाउंट बन जाएगा और यहाँ पर आपकी आईडी यानी कि आपका अपना पर्लवाइन अकाउंट नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा जिसको आप नोट कर लें। वैसे ये अकाउंट नंबर आपको आपके फ़ोन के मैसेज में भी आ जाएगा, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सेव बटन पे क्लिक करके अपने पासवर्ड को अपने ब्राउज़र में फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं ताकि आपको बार बार पासवर्ड
ना डालना पड़े। सेव कर लेने से ये हो जाएगा कि जब भी आप pearlvine.com में फ्यूचर में जाएंगे तो लॉगिन पर जाने के बाद आपका pearlvine अकाउंट नंबर और पासवर्ड पहले से ब्राउज़र में लिखा रहेगा। फिर भी आप याद रख लें इन डिटेल्स को, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। अब आपका pearlvine अकाउंट बन चुका है, अब आपको जब जब अपना pearlvine अकाउंट देखना होता है तब तब आपको सिंपली pearlvine.com पर जाकर लॉगिन में जाना होता है इस तरीके से, और अपना अकाउंट लॉगिन करना होता है यहाँ पर pearlvine अकाउंट और यहाँ पर pearlvine पासवर्ड से। ऊपर में pearlvine अकाउंट नंबर लिखना है और नीचे में पासवर्ड, जो कि आपको मालूम है। पहली बार लॉगिन करने के बाद आपको सिर्फ एक बार अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होता है। यहाँ आपका मोबाइल नंबर लिखा होता है, आपको चेक कर लेना है दोस्तों कि सही मोबाइल नंबर है या नहीं। अगर सही है तभी वेरीफाई पर क्लिक करें, वरना एक बार अगर गलत मोबाइल नंबर या किसी दूसरे व्यक्ति का मोबाइल नंबर जो कि आपका नहीं है अगर वो वेरीफाई कर लिया आपने, तो फिर मोबाइल नंबर वही रह जाएगा हमेशा के लिए। फिर मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते या फिर बहुत ही मुश्किल से चेंज होता है। इसलिए ये आखिरी मौका है, अंतिम मौका है अपना मोबाइल नंबर चेक करने का। चेक कर लें, अगर गलत लिखा है तो यहाँ पर लिखे हुए अपडेट योर मोबाइल नंबर के नीचे आप सही मोबाइल नंबर इसी पेज पर डाल सकते हैं। यहाँ अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लें और यहाँ सही मोबाइल नंबर डाल दें अगर गलत है तो, और अगर सही मोबाइल नंबर डल चुका है पहले से तो यहाँ लिखे हुए वेरीफाई नाउ पर क्लिक करें। एक OTP आपके नंबर पर आएगा, वो OTP यहाँ डालकर वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर दें, वेरीफाई हो जाएगा। अब आपका pearlvine अकाउंट खुल चुका है दोस्तों, जिसको एक्टिवेट करना है 2250 रुपये से, यानी 30 DP से, यानी $30 से। जिन्होंने आपको pearlvine के बारे में बताकर आपको इसमें ज्वाइन कराया है उन्हें आप 2250 रुपये भेज दें, वो आपकी आईडी को एक्टिवेट कर देंगे या वो सीधे आपके pearlvine अकाउंट पर 30 DP भेज देंगे। तब आप यहां पर लिखे हुए एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करके अपना pearlvine अकाउंट एक्टिवेट कर लें। मैं आपको बता दूं, DP मतलब होता है pearlvine का अपना डिजिटल पॉइंट, और एक डिजिटल पॉइंट यहाँ $1 के बराबर होता है। इसलिए 1 DP मतलब लगभग 75 रुपये और 30 DP मतलब 2250 रुपये। तो मैं जब जब इस वीडियो में DP बोलूंगा तो इसका मतलब $1 अमेरिकी। 1 DP इज इक्वल टू $1 pearlvine में। 1 DP $1 के बराबर होता है। तो आइए समझते हैं pearlvine का इनकम प्लान। pearlvine में दो प्लान है दोस्तों, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए में टोटल 7 रैंक हैं, पर्ल, कोरल, ओनिक्स, क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, टोपाज और रूबी। प्लान बी में टोटल 5 रैंक हैं, एगेट, अमेजनाइट, एम्बर, बेरिल और एक्सेलसियर। अब ये 7 + 5 12 रैंक 12 अलग अलग वॉलेट के रूप में pearlvine में मौजूद हैं, और हर वॉलेट में अलग अलग इनकम आती है। इनकम कैसे कैसे आती है ये जानने के लिए आइए चलते हैं pearlvine अकाउंट के डैशबोर्ड पर। जब आप अपना pearlvine अकाउंट लॉगिन करते हैं तो इस तरह से आपका डैशबोर्ड खुलता है। सबसे ऊपर में जो ये है आपका है ये मेन वॉलेट, यानी जितने भी वॉलेट्स हैं वहाँ से जब आप DP यानी डॉलर विड्रॉल करते हैं तो वो आपके मेन वॉलेट में पहले आता है, फिर आप मेन वॉलेट से अपने बैंक में विड्रॉल कर सकते हैं। बैंक विड्रॉल का भी प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा, पूरा वीडियो देखते रहें। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं अदर वॉलेट्स, व्यू मोड पर क्लिक करते हैं तो अदर वॉलेट्स में ये सब है, TP वॉलेट, फास्ट इनकम वॉलेट, बोनान्जा TP वॉलेट और फॉर्चून वॉलेट। TP वॉलेट यानी टीम परफॉर्मेंस वॉलेट, TP का फुल फॉर्म। टीम परफॉर्मेंस वॉलेट के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसमें इनकम दरअसल आती कैसे है। सबसे पहला इनकम है डायरेक्ट रेफरल इनकम। जब कोई व्यक्ति आपके थ्रू pearlvine में डायरेक्ट जुड़ता है, यानी आपका pearlvine अकाउंट नंबर डालकर वो रजिस्ट्रेशन करता है pearlvine में, जैसा कि मैंने पहले बताया था इस वीडियो में, तो आपको मिलते हैं 15 DP यानी 15 × 75 मतलब 1125 रुपये। आप जितने चाहो उतने लोगों को यहाँ लाइफ टाइम
भी सेटेड हो तो अपने डायरेक्ट में जोड़ सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, अनगिनत लोगों को जोड़ सकते हो और हर किसी व्यक्ति से आपको 1125 रुपये मिलते रहेंगे। ये है डायरेक्ट रेफरल इनकम जो फास्ट इनकम वॉलेट में आता है। फास्ट इनकम वॉलेट में और भी दूसरी तरह की इनकम आती है जो मैं आगे बताऊंगा। अभी टीम परफॉर्मेंस इनकम को समझने के लिए आइए समझते हैं कि ये कैसे मिलती है हमें। पर्लवाइन में टीम परफॉर्मेंस इनकम 0.25 DP यानी 1.25 गुना 75 मतलब 93.75 रुपये। ये क्या है आइए समझते हैं। आपके डायरेक्ट में जितने लोग इसमें जुड़ते हैं वो तो है आपका लेवल वन। फिर लेवल वन वाले लोग जितने लोगों को अपने डायरेक्ट में आगे जोड़ते हैं वो है आपका लेवल टू। फिर लेवल टू वाले लोग भी काम करते हैं और आगे इस तरह वो लेवल तीन, लेवल चार, लेवल पाँच और लेवल छः, लेवल सात, लेवल आठ आगे क्रिएट होता रहता है, उससे टीम बनती रहती है। तो इसमें लेवल वन से लेकर लेवल आठ तक देखा जाए तो अगर हर किसी ने सिर्फ चार चार लोगों को ही जोड़ा तो लेवल आठ में टोटल 65,536 लोग हो गए और इनको जोड़ा जाए तो ये 87,380 लोगों की एक टीम बन गई है सिर्फ प्रत्येक व्यक्ति द्वारा चार चार लोगों के जोड़ने से। तो आपके लेवल वन से लेकर लेवल आठ तक जितने भी लोग इसमें जुड़ते हैं उनके जुड़ने से आपको टीपी वॉलेट में यानी टीम परफॉर्मेंस वॉलेट में एक एक व्यक्ति से 1.25 DP मिलते हैं यानी हर किसी से 93.75 रुपये मिलते हैं। तो 87,380 लोगों से 87,380 गुना 93.75 रुपये मतलब 81,91,875 रुपये आपको मिलते हैं अगर हर किसी ने सिर्फ चार चार लोगों को ही जोड़ा तो। लेकिन यहाँ तो दोस्तों हर कोई अनलिमिटेड लोगों को जोड़ने के लिए स्वतंत्र है तो निश्चित तौर पर आपकी टीम परफॉर्मेंस इनकम इससे कहीं ज़्यादा ही होती है। मान लीजिए अगर हर कोई सिर्फ 10-10 लोगों को ही जोड़े तो लेवल आठ में 10 करोड़ लोग हो जाते हैं और इतने सारे लोगों से हर किसी से 93.75 रुपये मिलने का मतलब है 900 करोड़ से भी ज़्यादा की इनकम। तो टीम परफॉर्मेंस इनकम एक ऐसी इनकम है दोस्तों आपके लिए कि आपके नीचे अगर एक व्यक्ति भी काम कर रहा है ना तो आपको बैठे बैठे अच्छी इनकम यहाँ से मिलनी शुरू हो जाती है। अब आइए समझते हैं फास्ट इनकम वॉलेट। प्लान ए में टोटल 7 रैंक है दोस्तों, पर्ल, कोरल, ओनिक्स, क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, टोपाज और रूबी। जब आप 30 DP से इसमें ज्वाइन होते हैं तो आपका लेवल होता है पर्ल, लेकिन इसमें आईडी अपग्रेड करके आप ऊंचे रैंक पर जा सकते हैं और ऊंचे रैंक में जाने के बहुत फायदे हैं, ज़्यादा इनकम है। कोरल रैंक में जाने के लिए आपको 50 DP लगते हैं, हालांकि पहले 40 DP लगते थे, अब नए प्लान के मुताबिक कोरल रैंक का अपग्रेडेशन चार्ज 50 DP है। इस तरह आप 100 DP से ओनिक्स, 1000 DP से क्वार्ट्ज, 5000 DP से एमेथिस्ट, 10000 DP से टोपाज और 20000 DP से रूबी बन सकते हैं। फास्ट इनकम इस तरीके से मिलता है, इसको फास्ट ट्रैक इनकम भी कहते हैं। 30 DP से तो आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है और आप पर्ल रैंक में होते हैं यानी पहले रैंक में होते हैं जिसका नाम है पर्ल। तो अगर आप कम से कम पहले रैंक पर्ल में हैं तो आपके नीचे आपके लेवल वन वाले लोगों के पर्ल बनने से यानी पर्लवाइन में ज्वाइन होकर अकाउंट एक्टिवेट कराने से आपको 15 DP यानी 1125 रुपये मिलते हैं। ये तो डायरेक्ट रेफरल इनकम था। तो जिस तरह लेवल वन वाले लोगों से आपको ये 15 DP मिलते हैं उसी तरह लेवल वन से लेकर लेवल सात तक के सभी मेंबर से आपको इनकम आती है उनके द्वारा आईडी अपग्रेड करने से, इस तरीके से जो तरीका अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप कम से कम दूसरे रैंक कोरल में हैं तो आपके नीचे आपके लेवल टू वाले लोगों के कोरल बनने से आपको 20 DP मिलते हैं। आपके लेवल दो में कोई भी मेंबर जब 50 DP से कोरल बनता है तो आपको उसका 40% यानी 20 DP मिलते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों पहले हर रैंक से 50% मिलते थे, अब वो 40% हो गया है नए प्लान के मुताबिक, हर रैंक के अपग्रेडेशन से 40% मिलते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगर आप कम से कम तीसरे रैंक में हैं यानी तीसरे रैंक ओनिक्स में हैं तो आपके नीचे आपके लेवल तीन वाले लोगों के ओनिक्स बनने से आपको एक एक व्यक्ति से 40-40 DP यानी 3000-3000 रुपये मिलते हैं। अगर आप कम से कम चौथे रैंक क्वार्ट्ज में हैं यानी आप अगर क्वार्ट्ज बन गए हैं तो आपके नीचे आपके चौथे लेवल वाले लोगों के क्वार्ट्ज बनने से आपको एक एक व्यक्ति से 400-400 DP यानी 30-30 हज़ार रुपये मिलते हैं एक एक व्यक्ति के क्वार्ट्ज बनने से, आपके चौथे लेवल वाले एक एक व्यक्ति के क्वार्ट्ज बनने से। अगर आप कम से कम पांचवे रैंक एमेथिस्ट में हैं तो आपके नीचे आपके लेवल फाइव वाले लोगों के एमेथिस्ट बनने से आपको एक एक व्यक्ति से 2000-2000 DP मिलते हैं यानी आपके लेवल फाइव वाले व्यक्ति के एक एक व्यक्ति से आपको 1.5-1.5 लाख रुपये मिलते हैं जब वो एमेथिस्ट बनता है और पहले से अगर आप एमेथिस्ट हैं तो। अगर आप कम से कम छठे रैंक टोपाज में हैं यानी
आपने अपने अपनी आईडी को टोपाज में एक्टिवेट कर रखा है पहले से, तो आपके नीचे आपके लेवल 6 वाले, लेवल 6 वाले लोगों की टोपाज बनने से आपको एक एक व्यक्ति से 4000 डीपी यानी 3-3 लाख रुपये एक एक व्यक्ति से मिलते हैं। और अगर आप 7वें लेवल रूबी में हैं तो आपके नीचे आपके लेवल 7 वाले लोगों के रूबी बनने से आपको एक एक व्यक्ति से 8000 डीपी मिलते हैं। 8000 डीपी का मतलब है दोस्तों 6 लाख रुपये, 75 से गुना करें तो, यानी इस लेवल में पहुंच के आपको एक एक व्यक्ति से 6-6 लाख रुपये मिलते हैं एक एक व्यक्ति से जब कोई रूबी बनता है आपके इस लेवल में। तो समझ सकते हैं दोस्तों ये कितना बड़ा सिस्टम है। तो आप देख रहे हैं आईडी अपग्रेड करने के कितने फ़ायदे हैं। आईडी अपग्रेड करने से आप करोड़ों रुपये का फास्ट ट्रैक इनकम यहाँ पर ले सकते हैं। फास्ट इनकम वॉलेट के बाद है दोस्तों बोनांजा टीपी वॉलेट, ये है प्लान बी। प्लान बी के अंतर्गत पर्लवाइन ने 7 फरवरी 2020 को अलग से 4 रैंक एगेट, अमेजनाइट, एम्बर और बेरिल लॉन्च किया और 14 अप्रैल 2021 को यानी विगत कुछ दिनों पहले ही 5वां रैंक एक्सेलसियर भी लॉन्च किया। तो बोनांजा वॉलेट में टोटल 5 रैंक्स हैं, एगेट, अमेजनाइट, एम्बर, बेरिल और एक्सेलसियर। इसमें भी आपको आपके लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक के सभी मेंबर्स से टीम परफॉर्मेंस इनकम मिलती है। आपके टोटल 8 लेवल में से जब भी कोई एगेट बनता है तो आपको 1 डीपी, कोई अमेजनाइट बनता है तो आपको 2 डीपी, कोई एम्बर बनता है तो आपको 5 डीपी, कोई बेरिल बनता है तो आपको 10 डीपी और जब कोई एक्सेलसियर बनता है आपके टोटल 8 लेवल तक में कोई भी तो आपको 20 डीपी मिलते हैं। ये है बोनांजा का टीपी वॉलेट यानी बोनांजा की टीम परफॉर्मेंस इनकम वॉलेट। अब है फॉर्चून वॉलेट दोस्तों, ये अलग से एक वॉलेट दिया गया है कुछ ही दिनों पहले, जिसमें हर महीने समय समय पर हर रैंक के मेंबर को, चाहे वो किसी भी रैंक में हो, कुछ ना कुछ डीपी यहाँ गिफ्ट के तौर पर मिलता रहता है। ये सबके लिए है और इसे कंपलसरी इनकम का नाम दिया गया है। इसके अलावा रॉयल्टी इनकम भी इसमें ऐड होने वाली है, ये एक नई तरह की इनकम है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। रैंक्ड वॉलेट हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिस रैंक तक आपने अपना अकाउंट एक्टिवेट कर रखा है उन सभी रैंक का अलग अलग ऑटो पूल इनकम मिलता है। अब ऑटो पूल मैंने कहा तो ऑटो पूल क्या है ये मुझे आपको बताना पड़ेगा। ऑटो पूल, चाहे आप काम करें या ना करें, पूरे वर्ल्ड में पर्लवाइन में लोगों की ज्वाइनिंग होने से जो भी प्रॉफिट इस सिस्टम को हो रहा होता है उसका कुछ हिस्सा इस सिस्टम में जुड़े हर व्यक्ति को समय समय पर सिस्टम टोटल 8 स्टेप में देता है उनके रैंक के हिसाब से। तो अगर आप सिर्फ पर्ल रैंक में हैं तो आपको सिर्फ पर्ल रैंक का ऑटो पूल मिलेगा यानी सिर्फ पहले रैंक का, लेकिन आईडी अपग्रेड कर करके आप जिस रैंक तक पहुंचते हैं आपको उन सभी रैंक का अलग अलग ऑटो पूल इनकम मिलता है। ऑटो पूल इनकम कैसे मिलता है जानते हैं अच्छे से। फेसबुक के दुनिया भर में 270 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। व्हाट्सएप पूरे वर्ल्ड में जितनी भी ज्वाइनिंग लगती है सिस्टम उन लोगों को सभी एक्टिव मेंबर के नीचे, जैसे आपके नीचे भी 4-4 का सेट बनाकर एक ऑटो पूल ट्री बनाता है, 4 के नीचे 16, 16 के नीचे 64, इस तरीके से। और इस तरीके से टोटल 8 स्टेप में इतने सारे लोग का एक ऑटो पूल ट्री बनता है और इस तरह से टोटल 8 स्टेप में आपको हर रैंक का 8 बार ऑटो पूल मिलता है, जैसा कि आप इस चार्ट में इस वक्त देख रहे हैं। ये पहले रैंक पर्ल का ऑटो पूल चार्ट है। इस तरह दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि पर्ल का ऑटो पूल 32 लाख रुपये, कोरल का ऑटो पूल 1 करोड़ 31 लाख रुपये, ओनिक्स का ऑटो पूल 3 करोड़ 93 लाख रुपये, क्वार्ट्ज का ऑटो पूल 39 करोड़, एमेथिस्ट का ऑटो पूल 196 करोड़, टोपाज का ऑटो पूल 393 करोड़ और रूबी का ऑटो पूल 500 करोड़ से भी ज़्यादा है दोस्तों। तो आप जिस रैंक में भी हैं उन सभी अलग अलग रैंक का ऑटो पूल टोटल 8 स्टेप में 7 से 8 साल के अंदर कंप्लीट मिलता है। किसी भी वॉलेट में 10 डीपी से ज़्यादा होते ही उसे आप मेन वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो। जहाँ पर वेट लिखा हुआ है ना वहाँ पर 10 डीपी होते ही विड्रॉल लिखकर आ जाता है, आप उसे मेन वॉलेट में विड्रॉल पर क्लिक करके विड्रॉल कर सकते हो और फिर मेन वॉलेट से आप अपने बैंक खाते में यानी बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं। अब अगला वॉलेट है 2020 बोनांजा। इसमें प्लान बी के 5ों रैंक एगेट, अमेजनाइट, एम्बर, बेरिल और एक्सेलसियर रैंक के 5 अलग अलग वॉलेट हैं। आपने जहां तक अपनी आईडी अपग्रेड की है उन सभी रैंक का ऑटो पूल आपको टोटल 8 स्टेप में मिलता है। एगेट का ऑटो पूल 65 लाख रुपये, अमेजनाइट का ऑटो पूल 1 करोड़ 96 लाख रुपये, एम्बर का ऑटो पूल 4 करोड़ 91 लाख रुपये और बेरिल का ऑटो पूल 9 करोड़ 93 लाख रुपये और लास्ट
रैंक एक्सेलसियर का ऑटोपुल 24,57,00,000 रुपये से भी कहीं ज़्यादा है। इन सभी चार्ट में अमाउंट को डॉलर में बताया गया है, मैं इसे भारतीय रुपये में कन्वर्ट करके आपको मैंने वीडियो में अभी बताया। आइए ऑटोपुल विड्रॉल होने की कंडीशन आपको बता देता हूँ। प्लान ए की बात करें तो पर्ल का ऑटोपुल विड्रॉल करने के लिए आपको कम से कम दूसरे रैंक कोरल में होना ज़रूरी है। इसी तरह कोरल का ऑटोपुल विड्रॉल करने के लिए आपको ओनिक्स में होना ज़रूरी है, यानी तीसरे रैंक में। मतलब जिस रैंक का ऑटोपुल आपको विड्रॉल करना होता है उसे विड्रॉल करने के लिए आपको उससे एक रैंक आगे होना ज़रूरी है, तभी आप विड्रॉल कर सकते हैं। इसी तरह प्लान बी में भी है, सिर्फ एक रैंक आपको आगे होना ज़रूरी होता है और आप ऑटोपुल विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक्सेलसियर रैंक का ऑटोपुल विड्रॉल करने के लिए एक कंडीशन यहाँ पर है कि आपको प्लान ए में कम से कम तीसरे रैंक यानी ओनिक्स में होना ज़रूरी है, तभी आप एक्सेलसियर का ऑटोपुल विड्रॉल कर सकते हैं। तो हमने देखा कि इस अमेरिकी क्राउड फंडिंग सिस्टम से हमें इन सभी तरह की इनकम मिलती है, डायरेक्ट रेफरल इनकम, टीम परफॉर्मेंस इनकम, फास्ट ट्रैक इनकम, ऑटोपुल इनकम और कंपलसरी इनकम। अब थोड़ा बहुत इसे हैंडल करना मैं आपको बता देता हूँ। आप जिस रैंक में रहते हैं उस रैंक का एक इमेज অক্ষয় তৃতীয়ার পূর্ণ তিথিতে ভগবানের আশীর্বাদ নিয়ে আসুন ঘরে, সোনা ও হীরে কিনুন। उस रैंक का फोटो बना हुआ यहाँ पर रहता है जिस पर आप क्लिक करते हैं, मतलब वहाँ पर आपके रैंक का नाम लिखा रहता है। सब अलग अलग रैंक का अलग अलग लोगो होता है, तो उस लोगो पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस उभर कर आते हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है प्रोफाइल। प्रोफाइल में जाकर आप अपने सारे डिटेल्स भर दीजिए, जैसे कि यहाँ पर आप अपना नॉमिनी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कल इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो यहाँ से मिलने वाली इनकम उनको जाएगी जिनको आप यहाँ पर नॉमिनी बनाते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो। यहाँ आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। यहाँ करेंसी में आप अपने देश की करेंसी सेलेक्ट कर लें, जैसे अगर आप इंडिया में हैं तो आपको INR सेलेक्ट करना है। INR का मतलब होता है इंडियन रुपीज। यहाँ एड्रेस, यहाँ सिटी, यहाँ स्टेट और यहाँ कंट्री जैसे डिटेल्स भर के यहाँ पर सेव पर आप क्लिक कर दीजिए, आपका प्रोफाइल सबमिट 100% हो जाएगा। इसके अलावा इस ऑप्शन में जाकर आप अपना पहला ट्रांजैक्शन पासवर्ड या नया ट्रांजैक्शन पासवर्ड बना सकते हैं। एक OTP जाएगा आपके नंबर पर, वो OTP यहाँ पर डालकर इन दोनों खाली जगहों पर एक सेम ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप डालकर दो बार लिखकर आप अपना एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड बना सकते हैं, क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक करके। ट्रांजैक्शन पासवर्ड से आप अपने बैंक में पर्लवाइन से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं या किसी दूसरे के पर्लवाइन अकाउंट में DP ट्रांसफर कर सकते हैं अपने पर्लवाइन अकाउंट से, या किसी की ID एक्टिवेट करने के लिए पिन वगैरह खरीद सकते हैं डायरेक्ट सिस्टम से। इस ऑप्शन में जाकर आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर करंट यानी अभी का पासवर्ड लिखकर और यहाँ दो बार नया पासवर्ड डालकर आप अपना पुराना पासवर्ड बदलकर अपने लिए एक नया पासवर्ड बना सकते हैं। और अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, यानी अभी का पासवर्ड आपका क्या है नहीं मालूम है, तो लॉगिन वाले पेज में जाकर यहाँ पर लिखे हुए फॉरगॉट पासवर्ड पर जाकर इस पेज में अपना पर्लवाइन अकाउंट नंबर, यहाँ अपना रजिस्टर्ड ईमेल और अपना यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर अपने मोबाइल नंबर पर अपने लिए एक नया पासवर्ड आप मंगवा सकते हैं। यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप नाइट मोड और नॉर्मल मोड में स्विच कर सकते हैं। आपकी आंखों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर नाइट मोड भी पर्लवाइन की तरफ से आपके लिए दे दिया गया है। अगर आपकी आंखों पर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो यहाँ नाइट मोड ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ इन तीन लाइनों वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस खुलते हैं। पहला है डैशबोर्ड, जिस पर क्लिक करके सिंपली आप होम पेज पर यानी सारे वॉलेट्स पर जा सकते हैं, जो वॉलेट्स मैंने आपको इस वीडियो में पहले बता चुका हूँ। डाउनलाइन यूजर्स पर जाकर आप अपने नीचे जुड़े हुए लोगों के डिटेल्स देख सकते हैं। लेवल यूजर्स में जाकर इस तरह से आप अपने नीचे जुड़े हुए अलग अलग लेवल के मेंबर्स के डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि उनका पर्लवाइन अकाउंट नंबर या उनका मोबाइल नंबर वगैरह। लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक के सभी मेंबर्स को आप यहां पर देख सकते हैं। पिन्स में जाकर आप किसी की आईडी एक्टिवेट करने के लिए सिस्टम से 30 DP में एक पिन के हिसाब से पिन खरीद सकते हैं। यहाँ पर आप ये लिखेंगे कि आपको कितने पिन चाहिए, 1, 2, 3, 4 या 10, 15, जितने पिन चाहिए यहाँ लिखेंगे और यहाँ ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालकर आई एग्री को मार्क करके आप पिन खरीद लेंगे बाय नाउ पर क्लिक करके। फंड ट्रांसफर पर जाकर किसी भी पर्लवाइन यूजर को आप उनके पर्लवाइन अकाउंट में DP सेंड कर सकते हैं। यहाँ उनका पर्लवाइन अकाउंट नंबर लिखेंगे, यहाँ ये लिखेंगे कि कितनी DP भेजनी है और यहाँ आप अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालकर आई एग्री पर मार्क करके
ट्रांसफर पर क्लिक करके किसी को भी डीपी सेंड कर सकते हैं। विथड्रॉल इन बैंक वाले ऑप्शन में जाकर आप पर्लवाइन वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ आपको अमाउंट लिखना है और यहाँ मार्क करके ट्रांसफर पर क्लिक कर देना है। यहाँ अमाउंट आपको डॉलर में लिखना है यानी डीपी में, ना कि इंडियन रुपीज में या किसी अन्य देश की करेंसी में। यहाँ से पैसे विड्रॉल करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे आते हैं वो आपके अपने देश की करेंसी, अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया की करेंसी यानी भारतीय रुपये में आता है। याद रखें, आप कम से कम 100 डीपी और एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 1000 डीपी विड्रॉल कर सकते हैं और 10% ट्रांजेक्शन चार्जेस कटेंगे। पासबुक में जाकर आप ठीक अपने किसी बैंक अकाउंट के पासबुक की ही तरह इसमें भी अपने लेन देन और इनकम का पूरा ब्यौरा देख सकते हैं कि पर्लवाइन में किस तारीख को कितने बजे कितने डॉलर्स आपको कहां से आए हैं आपके पर्लवाइन अकाउंट में और आपने कहां भेजे हैं वगैरह वगैरह। और ये जो पीवी मेल है ये पर्लवाइन सिस्टम की तरफ से आपके लिए एक मेल सर्विस प्रोवाइड की गई है जो गूगल के ईमेल जैसी ही सुविधा आपको देती है। आप किसी को भी मेल कर सकते हो। इस मेल से आप support@pearlvine.com पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर किसी तरह की समस्या है तो। वेबसाइट के अलावा पर्लवाइन का ऐप भी मौजूद है, प्ले स्टोर पर आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और आसानी से यूज कर सकते हैं। pearlvine.com नाम से इस तरह का ऐप आता है, ठीक से देख लीजिए। इस पे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं पर्लवाइन में, जैसे मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डिश टीवी रिचार्ज कर सकते हैं, बहुत सारी पेमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं। साथ ही पर्लवाइन से रिलेटेड इसमें इस तरह का काम हो सकता है कि आप डॉलर ट्रांसफ़र कर सकते हैं यानी डीपी किसी के भी वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने पासबुक वगैरह चेक कर सकते हैं, यहाँ पर पिन बाय कर सकते हैं जैसे कि वेबसाइट में कर सकते थे, और अपने सारे यूज़र्स यानी कि अपने डाउनलाइन यूज़र्स अपनी टीम को भी चेक कर सकते हैं, और भी बहुत सारे काम हम इस ऐप के ज़रिए कर सकते हैं। दोस्तों, पर्लवाइन इंटरनेशनल से पूरे वर्ल्ड में आज लगभग 30 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और इससे जुड़कर अपनी एक बेहतर ज़िंदगी के लिए लाखों करोड़ों की इनकम कर रहे हैं। आपको ये वीडियो जिस किसी व्यक्ति के माध्यम से भी मिला है आप उससे कॉन्टैक्ट करके उनके साथ पर्लवाइन इंटरनेशनल में जुड़कर आमदनी शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक पर्लवाइन मेंबर पहले से हैं तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो आपकी टीम में शामिल हो सके। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। मैं आपको इस चैनल पर समय समय पर इसकी एक एक अपडेट देता ही रहता हूँ। और अच्छी टीम कैसे बना सकते हैं